हमारे पास इस टेस्ट में मैं बोल रहे हैं एन आइडियल गैस एक्सपैंड फ्रॉम हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब टू टू हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब एट एटेंट प्रेशर ऑफ टू बार पावर फाइव जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू इट सो हमारे पास जो वी वन है वो कितना है वो है हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब वी टू है वो है टू हंड्रेड सेंटीमीटर सो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा मेरे पास वो हो जाएगा रहा हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब टू हंड्रेड माइनस हंड्रेड हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब सो मैं इसे मीटर क्यूब में बदलूँ तो वो हो जाएगा रहा है हंड्रेड इंटू टेन रेज टू पर माइनस सिक्स मीटर क्यूब सो मेरे पास जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो जितनी है टेन रेज टू पर माइनस फोर मीटर क्यूब सही है प्रेशर इतना दिया है प्रेशर है टू इंटू टेन रेज टू पर फाइव पार्टेल और चेंज इन टेंपरेचर सॉरी चेंज इन हीट मतलब हीट इतनी सप्लाई हो रही है फिफ्टी जूल हमसे उन्होंने पहले पार्ट में पूछा है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मतलब हमसे डी पूछा है उन्होंने सही है हम जानते हैं जो डी होता है वो होता है डी प्लस डी फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स सही है तो डी कितना हो जा रहा हो जा रहा है डी ट्यू तो हमारे पास फिफ्टी जूल है ही माइनस डी डब्ल्यू डी इतना होता है पी डी भी होता है हाँ सो so हमारे पास फिफ्टी माइनस प्रेशर है टू इंटू टेन रेस टू पावर फाइव और डी भी जितना दे रहे थे, डी वी है हमारे पास टेन रेस टुपर माइनस फोर सो ये हो जा रहा फिफ्टी माइनस ट्वेंटी सो डी यू आ जाए मेरे पास थर्टी जूल सही है अब उन्होंने हमसे बी पार्ट में क्या पूछा है द नंबर ऑफ मोल्स इन द गैस इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज 300 हंड्रेड कैलविन सो बी पार्ट हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स तो टी जितना दे रहे थे हमारे पास 300 हंड्रेड कैलविन सो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस सिचुएशन सो जो पी होता है वो होता है एन आर टी सो so, एन हो जा रहा पी वी ओवर आर टी पी कितना है हमारे पास पी है टू इंटू टेन रेस टू पावर फाइव वी है टेन रेस टू पावर माइनस फोर आर है एट पॉइंट थ्री और टेम्परेचर है थ्री हंड्रेड सो हमारे पास एन की जो वैल्यू होगी वो है सो so, ये हो जाना चाहिए हमारे पास इस वाली वैल्यू से वन टू सो ये हो जाए मेरे पास टें फोर तो यहाँ से ये बन जाना चाहिए हमारे पास टू हंड्रेड ओवर एट पॉइंट थ्री इंटू थ्री हंड्रेड सो ये दोनों वैल्यू से ये दोनों वैल्यू कैंसिल सो so, यहाँ पे आ जा रहा है मेरे पास ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो एट मोल सही है तो एन की वैल्यू कितनी हो जा रही है एन हमारे पास सॉल्व करने पर आ रहा है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो एट मोल अब उन्होंने हमसे सी पार्ट में पूछा, uh, पूछा। है द मोलर हीट कैपेसिटी सी पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सी हमसे उन्होंने सी पी पूछा है एट कॉन्सटेंट प्रेशर क्या बताइए देखो मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्सटेंट प्रेशर मतलब जो सी पी है हमें वही तो बताना है तो सी पी इससे बराबर होता है हमें ये बताना है सो so, हम जानते हैं तो हमारा डी यू है वो बराबर है एन सी वी डी टी जो so, हमारे पास जो सी बी की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा डी यू ओवर एन डी टी डी यू तो हमने फाइंड किया था थर्टी जूल एन हमारे पास है जीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो एट और चेंज इन टेम्परेचर तो हमारे पास थ्री हंड्रेड के है ही so, सो यहाँ से अगर तीन जीरो ये से ट्रांसफ़र करें सो वन टू वन टू और ये हो जा टेन ये हो जा फाइव ये हो जा रहा है फोर सो सी बी कितना आ जा रहा सी बी आ जा रहा है हमारे पास फाइव ज़ीरो फिफ्टी बाई फोर मतलब ट्वेल्व पॉइंट फाइव ज़ीरो तो यहाँ से सी पी जितना आ जा रहा है सी पी होता है हमारे पास सी सी वी प्लस आर ठीक है सी पी माइनस सी वी आर होता है सो so, ये हो जा रहा है ट्वेल्व पॉइंट फाइव ज़ीरो प्लस एट पॉइंट थ्री वन सो सी पी आ जा रहा है हमारे पास वन एट पॉइंट टू जीरो झूल कैलविन इन्वर्स मोल इन्वर्स सही है और डी पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है डी पार्ट में क्या पूछा था हमसे द मोलर हीट कैपेसिटी सी वी एट ट्रॉन्टेंट वॉल्यूम तो हमने सी वी तो फाइंड कर ही दिया इधर तो जो हमारा डी पार्ट का आंसर है वो यहीं पे है ठीक है इसे हम डी पार्ट का आंसर कह सकते हैं इससे यूनिट तो भी सेम होंगे इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं